और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाई ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के बारे में। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैं ऑलरेडी पाई नेटवर्क का ऑफिशियल ऐप ओपन किया हूं। और फ्रेंड्स पाई नेटवर्क जो है इस समय दुनिया में बहुत ही तेज़ी के साथ फेमस हो रहा है और नियर अबाउट 25 मिलियन प्लस यूजर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। 25 मिलियन प्लस, इसका मतलब हुआ कि 2,50,00,000 यूजर्स ऑलरेडी जो है ज्वाइन कर चुके हैं और लगातार यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही जल्द ये जो है 50 मिलियन भी क्रॉस करने वाला है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आया हुआ है पाई को टीम है डिप्लॉयड पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर एंड इकोसिस्टम ऐप वेयर पाइनियर कैन व्यू ऑल ट्रांजेक्शन ऑन द पाई ब्लॉक चेन। तो पाई ब्लॉक चेन में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। वाइल वनली टेस्ट पाई ट्रांजेक्शन आर अवेलेबल ड्यूरिंग अवर करंट टेस्ट नेट फेज एंड द ब्लॉक एक्सप्लोरर विल डॉक्यूमेंट रियल पाई ट्रांजेक्शन वेन बी ट्रांजेक्शन इन टू मेन नेट। देखिए तो अभी जो यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं ना टेस्ट नेट में, ये केवल टेस्ट पाई को देख रहे हैं। उसके बाद जैसे ही जो है मेन नेट लॉन्च होगा तब यहाँ पे रियल पाई आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर पाई ब्लॉकचेन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं लेटेस्ट ट्रांजेक्शन सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। देख रहे होंगे आप यहाँ पे, देखिए जस्ट 3 सेकंड एगो हुआ है क्रिएटेड अकाउंट GC55 विथ बैलेंस 100, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अभी क्रिएटेड GASA विथ बैलेंस 100। तो यहाँ पर ये पूरा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर उस पर क्लिक किया है ना पूरा इसके बारे में दिखा भी देगा किस तरीके से कौन सा ब्लॉक है। देखिए अकाउंट यहाँ पे पब्लिक के दिया गया है, यहाँ पे होम डोमेन और टेस्ट पाई कितना किया गया है, इतना बैलेंस है इस समय, ठीक है। टेस्ट बाई बैलेंस जो है इतना देखिए 2222, ठीक है। और इतना यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन किया गया टेस्टिंग पाई के लिए किया गया है। सेम फ्रेंड्स ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे GDCR, देखिए इनके पास भी इनका बैलेंस केवल 99.98 है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप जो है टोटल यहाँ पे बैलेंस भी देख सकते हैं कितना इनके पास बैलेंस है, देख रहे हैं कितना अधिक बैलेंस है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पाई नेटवर्क रियली में काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। इनकी कोर टीम लगातार बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है, यूटिलिटी एप्स बना रही है जो कि आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा यूज किया जाएगा। और अगर मेननेट के पहले अगर यूटिलिटी एप्स अगर बनता है तो यकीन मानिए पाई नेटवर्क का प्राइस कभी भी डंप नहीं होगा। तो पाई नेटवर्क का प्राइस लगातार इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब यूटिलिटी एप्स बन जाएगा तो उस यूटिलिटी एप्स के लिए लोग जो है पाई नेटवर्क और बाय करेंगे, फिर कोई भी अपना जो है पाई क्वाइन सेल करने को नहीं सोचेगा क्योंकि उसका इतना अधिक यूज होगा। हर तरीके से जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, देख रहे होंगे हर एक एरिया के लिए मतलब पाई बनाया जा रहा है, पाई नेटवर्क बनाया जा रहा है, पाई शॉपिंग बनाया जा रहा है, पाई एक्सचेंज और पाई जो है आपका यहाँ तक कि पाई गो ट्रेवलिंग के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। पाई मीडिया बनाया जा रहा है, पाई वीडियो बनाया जा रहा है, पाई ट्यूब बनाया जा रहा है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ हैं जो कि पाई के लिए बनाया जा रहा है, पाई इको सिस्टम को मेनटेन करने के लिए बनाया जा रहा है। और पाई का यूज आप डेली लाइफ में कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे 1 मिनट एगो आपको यहाँ पे लेट ट्रांजेक्शन दे रहा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैश भी दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ओपन हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन आप दिखा दिया है, ठीक। टाइमिंग कितना हुआ है, फी कितना है यहाँ पे 0.01 फीस है इतना, और 4147015 ये ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे इतना क्रेडिट किया गया है 2 मिनट एगो। अब फ्रेंड देखें यहाँ पे फीस भी कितना 0.01 टेस्ट पाई, फीस जो है रियली में बहुत कम लगेगी। जो इथेरियम वगैरह की फीस काफ़ी अधिक लगती है तो यहाँ पे फीस बहुत ही कम लगेगी, जिससे लोगों को मतलब कि काफ़ी अधिक कास्ट नहीं पे करना पड़ेगा। फिर अगर हम बात किया जाए तो और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लेटेस्ट ब्लॉक देख सकते हैं कि कौन सा लेटेस्ट ब्लॉक आपको चला है, 4147042, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है अगर आप और भी चीज़ देखना चाहते हैं तो देखिए क्रिएट वैलेट, आपको अगर आपने अभी तक अपना वैलेट क्रिएट नहीं किए हैं तो आप अपना वैलेट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल एंड साइन इन टू पाई ब्राउजर, इसके लिए आपको पाई ब्राउजर जो है, ठीक है ना, इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर पाई ब्राउजर में साइन करना पड़ेगा और अपना यहाँ पर आपको जो के, ठीक है, जो आपका फेज है, साइनअप फेज है
12 आपका वर्ड रहेगा, उसको बोलते हैं सीड फेज बोलते हैं। तो सीड फेज को आप जो है सेव कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में जब मेननेट आएगा तो मेननेट में अगर आपका सीड फेज सेव नहीं किए रहेंगे तो आप अपने पाई क्वाइन को रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो है अपना सीड फेज को सेव करना है, कहीं अच्छी जगह सेव करना है, ठीक है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में जैसे ही मेननेट लॉन्च होगा तो उसका काफ़ी यूज होगा। मान लीजिए आपका मोबाइल कहीं पे गुम हो गया, तो अब आप किसी दूसरे मोबाइल में अगर पाई नेटवर्क ऐप्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस समय वो सीड फेज जो आपके पास रहेगा उस समय उसकी रिक्वायरमेंट होगी। उस सीड फेज के जरिए आप दोबारा साइन इन कर सकते हैं किसी भी मोबाइल में। अगर सीड फेज नहीं रहेगा तो आप दोबारा फिर माइन नहीं कर सकते हैं, आपका पूरा बैलेंस लॉस हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स सीड फेज को ज़रूर जो है ठीक है सेव करके रखिएगा। देखिए यहाँ पे है चैट पाई, वैलेट पाई और ब्रेनस्टार्म पाई, माइन पाई एंड डेवलप पाई। तो यहाँ पे अगर वैलेट करेंगे तब आपका यहाँ पे वैलेट शो हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी जो है वैलेट किस तरीके से क्रिएट करते हैं पाई नेटवर्क में मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ पर जाइएगा इसके बारे में पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आपको 12 वर्ड रहेगा, आप उसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिसको भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं कैसे दोबारा रिजनरेट करें, ठीक है, तो दोबारा हम इस पर फिर से वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।